फूल से खुशबू लेकर, चांद से रोशनी देकर, शहद से मिठास लेकर हम आपको प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम कहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जहाँ जहाँ पे आगाज़ शहर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप सबको ईद सईद का दूसरा दिन मुबारक हो। कौशल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो यासिर। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। और ईद के दूसरे दिन भी आपको स्टूडियो आना पड़ा है, तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, अब ये तो ड्यूटी है, ये करनी पड़नी है, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इस ड्यूटी से इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक की वजह से हम आपके सामने आए हैं। और क्योंकि बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, हमने कुर्बानी करने के बाद हमने गोश्त को फ्रीजर्स पे भर के रख देना होता है और फिर तीन तीन महीने, छः छः महीने आप उसको यूज़ करते हैं और तो फिर आप ना किया करें ना। बिल्कुल, इस पे आज हम बात करने आए हैं। कुछ आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें समझना, हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि कुर्बानी का जो मकसद है वो क्या है, कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में सब कुछ कुर्बान कर देना। तो जब हम गोश्त की बात आती है तो उस वक्त हम बड़ी कंजूसी कर जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अल्लाह ताला के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोश्त का जो तिहाई हिस्सा है उसके तीन हिस्से किए जाए, एक रिश्तेदारों में बांटा जाए, एक ख़ुद में रखा जाए और एक जो मिस्कीन हैं या मोहताज हैं जिनको जो डिज़र्वेबल हैं उनको देना चाहिए। लेकिन पता है हम करते क्या, जो अपना हिस्सा है हम, मतलब जो हमारे दो तीन हिस्से हमारे अपने होते हैं वो बड़े, उसको हमने बड़े अच्छा अच्छा गोश्त हमारे पास रख दिया और मतलब जो भी अच्छा हम अपने लिए पसंद करते हैं वो रख देते हैं, और दूसरों के लिए जो जब देने की बारी आती है तो हम जो दूसरों के लिए ख़ुद खाना पसंद नहीं करते वो हम दे देते हैं। तो ये गलत बात है, कुर्बानी का मकसद ये नहीं है नासने करार। कुर्बानी का मकसद ये है कि जब आप एक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब इस्तेआत दी है, आप कुर्बानी करते हैं, आप साहिब इस्तेआत हैं, तो फिर आपको कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा। कुर्बानी के जानवर लेने से ज़िबा करने तक, उसके बाद क्योंकि मैं आपको एक फजीलत भी बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद तक जब तक आप गोश्त तकसीम नहीं कर देते उस वक्त आपको शरीयत के उसूलों के ऐन मुताबिक चलना होगा ताकि आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो। अब कशा, आप जानते हैं मेरा अकरम ने फरमाया कि जो आप जानवर कुर्बान करते हैं, कुर्बानी के जानवर के बालों जितना आपके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। तो कुर्बानी की इतना ज़्यादा अहमियत है। जी कशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कुर्बानी, अब हम जो कुर्बानी करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, इस हमारी जो नियत है वो अल्लाह ताला जानते हैं, हम किस नियत से जो है हम कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि हम जब कुर्बानी कर लेते हैं तो उसका गोश्त हम फ्रिज में रख रहे हैं या फिर उसको आगे बांट रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि गरीबों में, मस्कीनों में और रिश्तेदारों में सबसे पहले हम जो है वो अपनी कुर्बानी का गोश्त है वो बांटें, उसके बाद अपना जो है वो हिस्सा रखें। हम इस तरह करते हैं कि हम अच्छा अच्छा जो गोश्त होता है वो साइड पर रख देते हैं, पाए जी बड़े भाई के हो गए, फलां चीज़ छोटे भाई की हो गई, तो इस तरह करके हम अपना फ्रिज भर लेते हैं। फिर जो बाकी वो थोड़ा सा बचता है, गंदा सा जो चीज़ें भी होती हैं, तो वो हम आगे से बांट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का मकसद आपका फ्रिज वैसे ही भर जाना है, आपको बाकी लोगों की तरफ से गोश्त आना है, आपका फ्रिज भर जाना है, लेकिन जो कुर्बानी आपने खुद की है उसको आप पहले, उसका गोश्त जो है वो पहले बांटें ताकि आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो। बिल्कुल ऐसी ही बात है, कुर्बानी का जो असल मकसद है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। जो काशा आपने एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, हम पहले दिन भी कुर्बानी का गोश्त तकसीम होता है, दूसरे दिन भी होता है, तीसरे दिन भी होता है। एक और चीज़ जो हमारी जिम्मेदारी हम वो भूल जाते हैं, हम जो कुर्बानी करने के बाद जो जानवर के जो फाजिल मादे हैं वो हम गली में फेंक देते हैं, इससे इन्वायरमेंट पल्यूट होता है। देखें, एक एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या एक सिटीज़न ऑफ एन इस्लामिक स्टेट या हम जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तहत हमें चाहिए कि हमारी कुर्बानी से किसी को नुकसान भी ना पहुँचे। और एक बात, अगर हमारी कुर्बानी के अंदर रियाकारी होगी तो ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पैसा खर्च करना, हमारा सब एहतमाम करना हमें वापस लुटा देगा, इसलिए सबसे पहले रियाकारी नहीं होना चाहिए। आप जब कुर्बानी का जानवर लेके आए, ये मत सोच के आए कि मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे अजीज़ अकारिब, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब ये समझेंगे, उन पर रोब और दबदबा आएगा कि मेरा इतना बड़ा जानवर है, इतना लाखों में लिया। नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथ नियतों का जो जायज़ा है वो किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला नियतों को तोलता है। आपके पास अल्लाह ने जितनी भी इस्तेआत दी है उसके मुताबिक कुर्बानी करें, सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें। अच्छा यासिर, एक और सवाल जो है वो सोसाइटी के अंदर काफ़ी उठाया जाता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ईद नमाज पढ़ने से पहले ही जो है वो अपना जानवर जो है वो कुर्बान कर देते हैं। हाँ, तो ये पूछा जाता है कि क्या ये कुर्बानी है या नहीं है। तो मुझे एक हदीस याद आ रही है कि इस तरह ऐसा हुआ तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक बंदा है जिसने अपनी कुर्बानी जो है वो ईद नमाज पढ़ने से पहले ही अपना जानवर कुर्बान कर दिया। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अगर तुम इस्तेआत रखते हो तो दोबारा जानवर ख़रीद कर लाओ और उसकी दोबारा जो है वो कुर्बानी करो, क्योंकि अगर नमाज़ पढ़ने से पहले तुम कुर्बानी करते हो तो वो तुम्हारी जो है वो जायज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसी बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। एक मसले पे आपने जो शरी मसला है उस पर नज़र हमारी वहाँ पे आपने फोकस कराई। लेकिन काश एक बात मैं आपको कहता हूँ, चलो आपने बड़ी खूबसूरत हदीस भी बताई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ सेक्ट्स बने हुए हैं। फ़िका जाफरिया के मुताबिक वो पहले कर लेते हैं और फ़िका हनफिया के और उनके मुताबिक वो बाद में करते हैं। तो कुछ अहादीस उनके पास भी हैं, कुछ अहादीस फ़िका हनफिया के पास भी हैं। अगर हमें सबका एहतराम करना होता है तो, क्योंकि हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो हर फ़िके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनका नज़रिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप जब भी करें आप कुर्बानी ज़रूर करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें। नाज़रीन किराम, ईद के दूसरे दिन अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़ को काशा निज़ामी के साथ इजाज़त दीजिए ताकि हम दोनों अपनी ईद की एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। अल्लाह ने गवाह।